नमस्कार किसान भाइयों, अपना कृषि बाजार यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो किसान भाइयों, आइए जान लेते हैं आज के नीमच मंडी भाव। तो नीमच मंडी के अंदर गेहूं न्यूनतम बिका है 1810, उच्चतम 2050 तक गेहूं बिका है। और सरसों के भाव की बात करें तो न्यूनतम 5310, उच्चतम 5400 तक सरसों का भाव रहा है नीमच मंडी के अंदर। और सोयाबीन के भाव की बात करें तो न्यूनतम 3510, उच्चतम 4920 तक रहा है। मक्का के भाव की बात करें तो न्यूनतम 950, उच्चतम 1270 तक मक्का का भाव रहा है नीमच मंडी के अंदर। मसूर दाल के भाव की बात करें तो न्यूनतम 4500, उच्चतम 5070 तक मसूर दाल का भाव रहा है। अलसी के भाव की बात करें तो न्यूनतम 4400, उच्चतम 5390 तक अलसी का भाव रहा है नीमच मंडी के अंदर। मूंगफली के भाव की बात करें तो न्यूनतम 4150, उच्चतम 5700 तक मूंगफली का भाव रहा है नीमच मंडी के अंदर। इसोबगोल के भाव की बात करें तो न्यूनतम 9500, उच्चतम 11800 तक इसोबगोल का भाव रहा है नीमच मंडी के अंदर। प्याज के भाव की बात करें तो न्यूनतम 800, उच्चतम 3610 तक प्याज का भाव रहा है नीमच मंडी के अंदर। ऊठे लहसुन के भाव की बात करें तो न्यूनतम 5000, उच्चतम 8580 तक ऊठे लहसुन का भाव रहा है नीमच मंडी के अंदर। देसी लहसुन के भाव की बात करें तो न्यूनतम 1500, उच्चतम 7160 रहा है। तिल्ली के भाव की बात करें तो न्यूनतम 7500, उच्चतम 8200 तक तिल्ली का भाव रहा है नीमच मंडी के अंदर। जौ के भाव की बात करें तो न्यूनतम 1050, उच्चतम 1490 तक जौ का भाव रहा है। उड़द के भाव की बात करें तो न्यूनतम 5100, उच्चतम 6600 तक उड़द का भाव रहा है नीमच मंडी के अंदर। अश्वगंधा के भाव की बात करें तो न्यूनतम 25000, उच्चतम 37000 तक अश्वगंधा बिका है नीमच मंडी के अंदर। तारामीरा के भाव की बात करें तो न्यूनतम 3500, उच्चतम 4420 तक तारामीरा का भाव रहा है नीमच मंडी के अंदर। पोस्ता के भाव की बात करें तो न्यूनतम 119000, उच्चतम 128000 तक पोस्ता बिका है नीमच मंडी के अंदर। मेथी के भाव की बात करें तो न्यूनतम 4800, उच्चतम 5500 तक मेथी का भाव रहा है नीमच मंडी के अंदर। धनिया के भाव की बात करें तो न्यूनतम 4000, उच्चतम 6210 तक धनिया का भाव रहा है नीमच मंडी के अंदर। अजवाइन के भाव की बात करें तो न्यूनतम 9000, उच्चतम 15010 तक अजवाइन का भाव रहा है। तो किसान भाइयों, ऐसे ही नीमच मंडी भाव जानने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, पास में घंटा उसे दबा दें ताकि आने वाली वीडियो आपके पास पहुंचती रहे।